Assalamu alaikum dear viewers, welcome to my channel Biology Learning Options. So if you are new to the channel, so please subscribe and press the bell icon button. सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम उसी चैप्टर नंबर 18 केमिकल कोऑर्डिनेशन को कंटिन्यू करते हुए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। हमने जैसे कि प्रीवियस वीडियो के अंदर फर्स्ट टॉपिक कवर कर लिया था, इसके साथ साथ हमने इंट्रोडक्शन को भी देख लिया था। फर्स्ट टॉपिक उस वीडियो में फुली एक्सप्लेन हुआ है, ठीक है, आप वहाँ जाकर दोबारा से एक बार अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है। हॉर्मोन्स द केमिकल मैसेंजर्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एंडोक्राइन ऑफ द मैन, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ मैन। सो स्टूडेंट्स, अगर तो आप इस चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप देख सकें और उनके कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से समझ सकें। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर न्यू टू द वीडियो, तो मैं तो आपको थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगी बिफोर स्टार्टिंग अवर टॉपिक। वो क्या है कि हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है एक मैसेंजर सिस्टम के तौर पर एक्ट करता है, ठीक है, जिसके अंदर फीडबैक लूप्स होती हैं हॉर्मोन्स की। और वो हॉर्मोन्स कौन रिलीज कर रहा होता है, हमारे पास हमारे इंटरनल ग्लैंड्स, और वो डायरेक्टली जाके हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हमारा ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, एक ऐसी कलेक्शन है डक्टलेट्स ग्लैंड्स की जो कि क्या करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं और फिर उन हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। अब हमें पता है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि हार्मोन्स क्या है, हमारे पास ऐसे केमिकल मैसेंजर्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उनको रेगुलेट करते हैं जाके। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, जैसे मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है हमारे पास, एनर्जी लेवल क्या है, इसके अलावा रिप्रोडक्शन है हमारे पास, फिर हमारे पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। फर्दर मोर अगर हम बात कर लें तो हमारे जितना भी मूड स्विंग्स हैं, कोई हमें स्ट्रेस हो रहा होता है या कोई भी हमें इंजरी आ जाए, ठीक है, उसके रिस्पांस में कौन काम कर रहा होता है, कि सब कुछ की रेगुलेशन जो है वो हमारे पास हॉर्मोन्स के थ्रू हो रही होती है। अब हमारा एंडोक्राइन सिस्टम एक कम्प्लेक्स नेटवर्क है, हम कह सकते हैं किस किस चीज़ का, ग्लैंड्स का और ऑर्गन्स का, जो कि क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर जितने भी स्पेसिफिक टिश्यूज़ हैं एंड सर्टेन ऑर्गन्स हैं उनको जाके टारगेट करते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ मैन में क्या है हमारे पास, ये एक ऐसी टाइप है ग्लैंडुलर सिस्टम की जिसके अंदर 20 डक्टलेस ग्लैंड्स जो हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी प्रेजेंट होते हैं, सही है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है हमारे पास न्यूरो सिक्रेटरी रोल ऑफ हाइपोथैलेमस, ठीक है। इसमें अब क्या है हमारे पास, जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो रिस्पॉन्सिबल होता है रेगुलेट करने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। बेसिकली पर्पज़ क्या है इसका, कि ये हमारे पास सेंथिसाइज करता है और सीक्रेट करता है ऐसे न्यूरो हार्मोन्स को जिनको हम रिलीजिंग हार्मोन्स भी कह सकते हैं, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स भी कह सकते हैं। इनका काम क्या होता है कि ये हमारे पास स्टिमुलेट करते हैं या तो इनहिबिट कर देते हैं सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स को जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से होनी है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास मेजर है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, उनके सीक्रेशन को या तो ये स्टिमुलेट कर देगी या तो जाके इनहिबिट कर देंगे। हम अगर बात करें कि हाइपोथैलेमस है क्या, तो ये हमारे पास एक पार्ट है फॉर ब्रेन का जो कि क्या करता है, रेगुलेट करता है एक वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को, जैसे कि हंगर हो गई, थर्स्ट हो गई, स्लीप एंड टेम्परेचर के सर्टेन हमारे पास फैक्टर्स आ जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये मॉनिटर करता है मेटाबोलाइट्स को भी और डिफरेंट हार्मोनल लेवल्स को भी हमारे ब्लड के अंदर। हाइपोथैलेमस जो है उसको हम मास्टर कंट्रोल सेंटर भी बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम का। इसके साथ साथ क्या होता है, हमारे पास एंडोक्राइन सिग्नल्स जो हैं डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं, इसका मतलब है पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। और इसके पास ऐसे स्पेशल ग्रुप्स होते हैं न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स, जो कि आपको स्टार्ट में मैंने बताया न्यूरो हार्मोन्स होते हैं हमारे पास। अब ये जो सेल्स हैं ये क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इम्पल्सिस को और डेवलप करते हैं सिक्रेटरी कैपेसिटी को एक हाई लेवल के ऊपर। अब ये जो सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, इन हार्मोन्स को रेगुलेट कर रहे हैं, जो कि क्या करते हैं हमारे पिट्यूटरी हार्मोन्स को कंट्रोल कर रहे हैं या रेगुलेट कर रहे हैं, सही। अब ये जो हार्मोन्स हैं जो कि हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस हुए हैं, इनको हम रिलीजिंग फैक्टर्स भी कहते हैं। अब रिलीजिंग फैक्टर्स उनको हम बोलेंगे जो कि हमारे पास पिट्यूटरी हार्मोन्स की सिक्रेशन को स्टिमुलेट्स करेंगे, ठीक है। और अगर तो ये पिट्यूटरी हार्मोन्स की सिक्रेशन को इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं, तो फिर ये क्या होंगे हमारे पास, इनहिबिटिंग फैक्टर्स कहलाएंगे। अब ये प्रोड्यूस कहाँ होते हैं ये हम नेक्स्ट देखते हैं। स्टूडेंट्स, अब ये हार्मोन्स हमारे पास प्रोड्यूस कैसे होते हैं, बेसिकली ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, सेल बॉडीज में, ठीक है, सेल की सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर आपने हमारे पास जो एक्सॉन है उसका स्ट्रक्चर अगर आपने कम्प्लीटली देखा हुआ है, जैसे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कहाँ पर सेल बॉडी प्रेजेंट है, इन द स्टार्ट, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, ये पैक्ड होती है हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स। यहाँ एक इमेज में आपको ग्रेन्यूल्स की एक फॉर्मेशन शो हो रही होगी कि किस टाइप के होते हैं ग्रेन्यूल्स। तो इसका मकसद यहाँ लगाने का ये है कि आपको अंदाज़ा हो सके कि किस तरह से जो सेल बॉडीज़ हैं वो ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में पैक्ड होती हैं। अब जब ये पैक हो गए ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में, तो क्या होगा, ये ट्रांसपोर्ट हो जाएंगी, ठीक है, एक्सोन के पार्ट में, उसी एक्सोन के पार्ट में उसी सिग्नल के, विद द हेल्प ऑफ द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग।
साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग अब किस तरह से होती है, जैसे आप इस इमेज में देख लें जिस तरह से ये एरो की डायरेक्शन जा रही है, तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। यहाँ से क्या होगा, अब जब हमारे पास सिग्नल एक्सोन की तरफ चला गया, अब ये हो कहाँ रहा है, न्यूरो सिक्योरिटी सेल्स के अंदर हो रहा है, ठीक है। वहाँ से क्या होगा, एक्सोन एंडिंग पे जाके ये पास हो जाएगा। अब एक्सोन एंडिंग पे जो प्रेजेंट है, सही है, वो क्या करेगा, साइनैप बना लेगा। किसके साथ, ब्लड कैपिलरीज के साथ जाके साइनैप बनाएगा। साइनैप किस तरह से बनाएगा, जैसे आपको ब्लड कैपिलरीज की इमेज में नज़र आ रहा है, किस तरह से जो ब्लड कैपिलरी के साथ है एक्सोन ने जाके साइनैप बनाया एक्सोन एंडिंग्स ने। इसके बाद क्या होगा, जब ये स्टिमुलेट होगा तो फिर ये हार्मोन्स को सीक्रेट करेगा और वो हार्मोन्स चले जाएंगे हमारे ब्लड के अंदर। सो दिस इज़ व्हाट हाउ दीज हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स। 6 टाइप ऑफ ग्लैंड्स होते हैं जो कि एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे। सेकंड वन इज़ द थायराइड ग्लैंड, थर्ड वन इज़ द पैराथायराइड ग्लैंड, फोर्थ इज़ द पैंक्रियाज, फिफ्थ इज़ द एड्रिनल ग्लैंड एंड द सिक्स्थ वन इज़ द गोनैड्स। सो दिस इज़ द फ्लो चार्ट, यू कैन रिमेंबर इजीली। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन की अगर हम बात करें तो यह कहाँ होता है, इट इज़ जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है ये, और ये हाइपोथैलेमस के साथ अटैच्ड होता है विद अ स्टाल्क, उसको हम क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम। और ये बनता कैसे है, इनफंडिबुलम हमारे पास ब्लड वेजल से बनता है और जो हमारे पास फाइबर्स हैं न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स की, उनसे मिलके बनता है, ठीक है। फर्दर मोर हमारे पास इसके जो हैं तीन लोब्स हैं, ठीक है, वो क्या हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड द मीडियन। आपको इमेज में एंटीरियर और पोस्टीरियर तो नज़र आ रहे होंगे, लेकिन जो मीडियन लोब है वो इन दोनों के बिल्कुल दरमियान में प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये जो है इसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं पूरे एंडोक्राइन सिस्टम का। इसकी क्या वजह है, इसकी वजह ये है कि ये हमारे पास ऐसे न्यूमरस हार्मोन्स को सीक्रेट करता है जो कि आगे से फर्दर और हार्मोन्स की एक्टिविटी को एंडोक्राइन ग्लैंड्स के रेगुलेट करते हैं, ठीक है। फर्दर मोर हमारे पास जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है ये 6 हार्मोन्स को सीक्रेट करता है, ठीक है, उनको प्रोड्यूस करता है और उनको रिलीज करता है हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स की फॉर्म में फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। उनमें हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं, 6 हैं वो भी, एक है FSH एंड LH, जिनको हम क्या कहते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है DSH जो कि क्या है, थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट वन इज ACTH, एड्रिनोकोर्टिकोकॉर्टोफिक हार्मोन। नेक्स्ट वन इज़ द प्रोलैक्टिन एंड द लास्ट वन इज़ द ग्रोथ हार्मोन। इन सब के जो टारगेट है हमारे पास वो भी यहाँ पर मेंशन है। सबसे पहले आता है हमारे पास ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन भी बोलते हैं। अब ये रिलीज़ कैसे होता है हमारे पास, ये रिलीज़ होता है हाइपोथैलेमिक इन्फ्लुएंस के अंडर, ठीक है। वो कैसे, ग्रोथ हार्मोन जो रिलीजिंग फैक्टर है हमारे पास उसके अंडर ये हमारे पास रिलीज होता है। और इसके अलावा अगर हम इसकी इनहिबिशन की बात करें तो हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि कुछ हमारे पास रिलीजिंग फैक्टर्स होते हैं और कुछ इनहिबिटिंग फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर रिलीजिंग फैक्टर कौन सा है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर है एंड द इनहिबिटिंग फैक्टर जो है हमारे पास हाइपोथैलेमिक सोमैटोस्टैटिन है, ठीक है। ये इसकी जो प्रोडक्शन है उसको इनहिबिट कर देता है, रोक देता है अक्सर केसेस में। वो भी डिपेंड करता है हमारे पास डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर कहाँ पर हमारे पास रिलीजिंग फैक्टर ने काम करना है और कहाँ पर इनहिबिटिंग फैक्टर ने जाके काम करना है। ग्रोथ हार्मोन जो है उसका हमारे पास डायरेक्ट इफेक्ट होता है, इसकी हम फंक्शंस की बात करें अगर तो हमारी ग्रोथ पे, इसके अलावा हमारी डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट होता है। इसके अलावा हमारे पास सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ के ऊपर भी इसका बहुत इफेक्ट होता है। फर्दर मोर अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर जो अमाइनो एसिड्स की अपटेक की बात है, जो स्टिमुलेशन की बात है, उसको जो सेल्स के अंदर है उसका लेवल इंक्रीज भी करता है ये, और इसको फर्दर रेगुलेट भी करता है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट पे हमारे पास जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसकी जो रेट है उसको भी ये इंक्रीज़ कर देता है ग्रोथ हार्मोन जाके। दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस इट परफॉर्म्स इन अवर बॉडी।